स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। मेरा नाम तनुज कुमार, मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस लेकर आता हूं। तो आज की क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स में सफिशियंसी प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, लास्ट के कुछ लेक्चर वीडियोज़ में हमने अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, तो उनके लेक्चर वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप उसे देख सकते हैं। और थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन पे बेस्ड जितने भी लेक्चर वीडियो अभी तक हमने बनाए हैं, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड हों या मेथड्स पे बेस्ड हों या उन पे बेस्ड क्वेश्चंस हों, तो वो सारे वीडियोज़ हमने स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस फर्स्ट की जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है उसमें अरेंज किए हुए हैं, तो वो वीडियोज़ आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम सफिशिएंसी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। तो सफिशिएंसी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो देखिए, जब भी स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस में हम बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई, हमने क्या करना है, पॉपुलेशन के लिए इन्फेरेंस डेवलप करनी है विद द हेल्प ऑफ द एनालिसिस ऑफ ए सैम्पल, यानी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। यानी हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास पॉपुलेशन है, उसके बारे में हमने कोई रिजल्ट डेवलप करने हैं, तो हम पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को सेलेक्ट करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसको पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज करेंगे। तो यहाँ पर बात होती है एस्टिमेशन की, कि जो पॉपुलेशंस की करेक्टरिस्टिक हैं उसे सैंपल में कैसे एस्टिमेट किया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सैंपल ऑब्जर्वेशंस का एक फंक्शन डेवलप करते हैं जिसे हम एस्टिमेटर कहेंगे। तो इस एस्टिमेटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी हमारी सफिशियंसी है, यानी ये एस्टिमेटर क्या होना चाहिए, सफिशियंट एस्टिमेटर होना चाहिए। तो अब सफिशियंट का यहाँ पर मीनिंग क्या निकल के आता है, जैसे हम अपनी बॉडी में ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, हम देखना चाह रहे हैं भाई हमारी बॉडी में शुगर लेवल क्या है, तो शुगर लेवल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ एक सैंपल के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारे बॉडी में शुगर का लेवल नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो कैसे हम पता करेंगे भाई, हमने फिंगर टिप से एक छोटी सी बूंद हमने ब्लड की ले ली, उसकी एनालिसिस कर ली, हमें पता चला भाई हमारा शुगर लेवल नॉर्मल है, तो हमने कह दिया भाई हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज क्या है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल है। तो इस तरह से एक सैंपल के बेसिस पे हमने क्या कर लिया, पूरी अपनी जो पॉपुलेशन है उसके बारे में इन्फेरेंस जनरेट कर लिए। तो ये सिंगल सैंपल यहाँ पे क्या है, सफिशियंट है। सफिशियंट मीन्स इन टर्म्स ऑफ एस्टिमेटिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। यानी यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, सैंपल ऑब्जर्वेशन में से एक ऐसा फंक्शन डेवलप करेंगे जो पैरामीटर के लिए क्या होगा, सारी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करेगा। तो ये स्टैटिस्टिक या ये एस्टिमेटर जो पॉपुलेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, ये एस्टिमेटर हमारा सफिशियंट एस्टिमेटर कहलाएगा। तो ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन हो गई, ये आप बुक में भी देख सकते हैं, उसमें आप देखेंगे भाई कोई भी ऐसा एस्टिमेटर जो क्या कर रहा है, पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, वो एस्टिमेटर हमारा क्या है, सफिशिएंट एस्टिमेटर है। तो अब सफिशिएंट हम पता कैसे करेंगे कि एस्टिमेटर हमारा सफिशिएंट है या नहीं है, या फिर सफिशिएंट एस्टिमेटर कैसे हम फाइंड करेंगे, तो इसे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, दो मेथड हमारे पास हैं, दो अप्रोच हमारे पास हैं। पहली अप्रोच तो हमारी कहलाती है डेफिनेशन क्राइटेरिया अप्रोच, और दूसरी अप्रोच हमारी कहलाती है सफिशिएंट कंडीशन अप्रोच। तो वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन क्राइटेरिया में अब जब हम बात कर रहे हैं सैंपल की, तो सपोज़ हमारे पास क्या है, एक सैंपल है, n यूनिट का हमने सैंपल कंसिडर किया हुआ है। तो ये सैंपल क्या करेगा, आप देखोगे भाई ये सैंपल क्या करेगा, थीटा की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पजेस करेगा, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ये पजेस करेगा। यानी सैंपल में क्या है, हमारे पास थीटा के लिए भी इन्फॉर्मेशन है, और थीटा के अलावा भी कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें इस सैंपल से मिल सकती है। तो हमने क्या करना है, इस सैंपल ऑब्जर्वेशन का एक ऐसा फंक्शन हमने यहाँ पे डेवलप करना है। अब ये फंक्शन सपोज़ क्या है, मेरा टी है, तो इसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज़ ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस। तो ये फंक्शन क्या करे, सिर्फ और सिर्फ
थीटा की इन्फॉर्मेशन कंटेन करे, तो हम कहेंगे भाई ये एस्टिमेटर टी हमारा क्या है, सफिशियंट एस्टिमेटर है। तो ये हमारी डेफिनेशन क्राइटेरिया, यहाँ से हम अपनी डेफिनेशन क्राइटेरिया को देख सकते हैं, यानी यहाँ पे हम सफिशियंट एस्टिमेटर को डिफाइन कर सकते हैं। तो हुआ क्या, बेसिकली हमारे पास सैंपल था, सैंपल में थीटा की इन्फॉर्मेशन भी है और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ थीटा की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस सैंपल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड एक स्टैटिस्टिक, एक एस्टिमेटर बना लिया। अब यह एस्टिमेटर क्या हो सकता है, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड भी हो सकता है या कुछ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड भी हो सकता है। तो इस एस्टिमेटर की क्या प्रॉपर्टी होगी, ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ थीटा की इन्फॉर्मेशन पजेस करेगा। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये सिर्फ क्या कर रहा है, थीटा के इन्फॉर्मेशन पजेस कर रहा है। तो अब सपोज़ ये हमारा एक एस्टिमेटर है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लूँगा, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल ऑब्जर्वेशंस फॉर गिवन वैल्यू ऑफ टी। मैं सिंपली क्या करूँगा, इस सैंपल ऑब्जर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन निकालूंगा जब मुझे पता होगा भाई ये टी मेरा क्या है, ऑलरेडी डिफाइंड है। अब टी मेरा ऑलरेडी डिफाइंड है और ये टी क्या करता है, थीटा की सारी इन्फॉर्मेशन को पजेस करता है। तो जो सैंपल ऑब्जर्वेशन का कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी जो सैंपल ऑब्जर्वेशन में अब इन्फॉर्मेशन बचेगी, वो सिर्फ क्या बचेगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बचेगी। और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या होगी, इसका थीटा से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस फॉर गिवन टी, ये क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इस केस में ये टी मेरा क्या हो जाएगा, थीटा के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है। तो सिंपली हम कहेंगे भाई कोई भी एस्टिमेटर है हमारा, सपोज एन एस्टिमेटर टी एस्टिमेट्स द पैरामीटर थीटा इन ए सैंपल x1 x2 अप टू xn ऑफ साइज n। दिस एस्टिमेटर इज सेट टू बी सफिशियंट, दिस एस्टिमेटर इज सेट टू बी सफिशियंट फॉर थीटा इफ द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस फॉर गिवन एस्टिमेटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सफिशियंसी को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशंस आपको बुक में मिल जाएंगी, वहाँ से आप उसे नोट कर सकते हो। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो अब ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का रूल अगर हम प्रोबेबिलिटी में बात करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर गिवन बी, ये वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब मैंने क्या किया, ए जो मेरा सेट है, इस ए सेट में मैंने सैंपल ऑब्जर्वेशंस रख लिए जो क्या कर रहे हैं, थीटा के इन्फॉर्मेशन भी है इनके पास और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है। बी सेट में मैंने क्या कर लिया, टी की वैल्यूज़ ले ली मैंने, जो एस्टिमेटर है इसकी वैल्यूज़ मैंने कंसिडर कर ली। ये वैल्यूज़ क्या होंगी, सैंपल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होंगी। तो अब जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस फॉर गिवन वैल्यू ऑफ टी, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन xn इंटरसेक्शन टी होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इक्वल टू टी। इस तरह से हम क्या करेंगे, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, इसको इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई जो सैंपल ऑब्जर्वेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऑलमोस्ट वही क्या हो सकता है, टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो ये जो कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट हमारा कहलाएगा जॉइंट PDF ऑफ सैंपल, यानी जो न्यूमरेटर क्वांटिटी है, ये न्यूमरेटर क्वांटिटी है जॉइंट PDF ऑफ सैंपल। और देखिए डिनोमिनेटर क्वांटिटी एक्चुअल में क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस्टिमेटर, यानी एस्टिमेटर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, वो हमारा डिनोमिनेटर में होगा। तो हम इसे कह लेंगे मार्जिनल PDF ऑफ एस्टिमेटर। तो हम ये कैलकुलेट कर लें, हमें सैंपल गिवन है, सैंपल पे बेस्ड एस्टिमेटर गिवन है। तो हम क्या करें, सैंपल का जॉइंट PDF निकाल लें, एस्टिमेटर का मार्जिनल PDF निकाल लें, दोनों का रेशियो कैलकुलेट करें। और अगर ये रेशियो हमारा क्या आता है, इंडिपेंडेंट ऑफ
थीटा आता है तो हम कहेंगे ये एस्टिमेटर टी हमारा क्या है, एक सफिशियंट एस्टिमेटर है। तो ये तो हमारा है डेफिनेशन क्राइटेरिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सफिशियंसी क्या होती है और कैसे हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि हमारा एस्टिमेटर सफिशियंट है या नहीं है। तो इस पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए, ये मैंने डेफिनेशन क्राइटेरिया यहाँ पे नोट कर लिया। अब सपोज़ एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें जो सैंपल गिवन है वो सैंपल पॉइसन पॉपुलेशन से गिवन है और इस सैंपल में सिर्फ 2 यूनिट हैं। तो हमसे पूछा गया है कि भाई एक एस्टिमेटर है x1 प्लस x2, ये x1 प्लस x2 सफिशियंट है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, डेफिनेशन क्राइटेरिया की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो एस्टिमेटर है t, ये एस्टिमेटर हमारा क्या है, x1 प्लस x2 है। इसी को मैं स्मॉल t मैं ले लेता हूँ, वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर ले लेता हूँ। तो अब मुझे चेक करना है कि ये एस्टिमेटर मेरा एफिशिएंट होगा या सफिशियंट होगा या नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पे मुझे 2 क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, एक सैंपल ऑब्जर्वेशंस का जॉइंट पीडीएफ मुझे निकालना है और दूसरा एस्टिमेटर का मार्जिनल पीडीएफ यानी एस्टिमेटर का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं एस्टिमेटर का डिस्ट्रीब्यूशन ही यहाँ पे निकाल लेता हूँ। अब देखिए, किसी भी एस्टिमेटर का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमारे पास 2 अप्रोच होती हैं। पहली अप्रोच है मीन वेरिएंस अप्रोच और दूसरी अप्रोच हमारे पास होती है MGF अप्रोच। हम क्या करेंगे, एस्टिमेटर का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे वो मीन और वेरिएंस किस डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, इस टी का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसी तरह से MGF अप्रोच में हमारे पास देखिए x1 x2 इनका MGF है, इसका PDF हमें गिवन है, पॉइसन PDF होगा। तो इसका MGF हमारे पास नोन है, तो हम क्या करेंगे, T का MGF फाइंड करेंगे। जो MGF आएगा, अब MGF हमारा क्या होता है, यूनिक होता है, तो वो किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करेगा। तो जिस डिस्ट्रीब्यूशन को MGF बिलोंग करेगा, वही डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा इस केस में, इस एस्टिमेटर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वहाँ से फिर हम क्या कर सकते हैं, उसका PDF निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पे मैं मीन और वेरिएंस अप्रोच अप्लाई करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी हम यहाँ पे निकालेंगे, तो ये होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2 विच इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2। तो यहाँ से ये थीटा प्लस थीटा आएगा, तो ये 2θ हो जाएगा, क्योंकि देखिए सैंपल हमें पॉइसन से गिवन है। तो ये यहाँ पे वेल नोन है, पॉइसन का मीन और पॉइसन का वेरिएंस दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। और किसके इक्वल होगा, पैरामीटर के इक्वल होगा, पैरामीटर यहाँ पे थीटा है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi इक्वल टू वेरिएंस ऑफ xi विच इज़ इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से इस एस्टिमेटर का मीन मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये 2θ आया। सिमिलरली वेरिएंस ऑफ t हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 विच इज़ इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 2 कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड x2। तो यहाँ से देखिए, वेरिएंस ऑफ x1 ये थीटा है, वेरिएंस ऑफ x2 ये भी थीटा है, और कोवेरिएंस हमारा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमारे क्या हैं, रैंडम सैंपल से हैं और रैंडम सैंपल के ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं, आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे जब हम वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वेरिएंस कितना आ रहा है, 2θ आ रहा है। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया भाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इज़ इक्वल टू वेरिएंस ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू 2θ। तो अब देखिए, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल की मीन वेरिएबल का वेरिएंस दोनों इक्वल है, थीटा के इक्वल हैं। यहाँ पे टी भी हमारा क्या हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि टी क्या है, फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस है और सैंपल ऑब्जर्वेशंस हमारे क्या हैं, रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो रैंडम वेरिएबल्स का फंक्शन अपने आप में क्या होता है, एक रैंडम वेरिएबल होता है। तो ये इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई, जो टी का डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉइसन है विथ पैरामीटर 2θ, क्योंकि यहाँ पे देखिए पैरामीटर थीटा है, यहाँ पे 2θ है, तो इस केस में टी का पैरामीटर कितना हो जाएगा, 2θ हो जाएगा। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इक्वल टू टी ये हो जाएगा -2θ 2θ टू दी पावर टी डिवाइडेड बाई t।
20 फैक्टोरियल। तो ये तो हुआ मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एस्टिमेटर टी। इसी तरह से अब हमें क्या करना है, जॉइंट पीडीएफ ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट करना है। तो जॉइंट पीडीएफ हम यहाँ पे निकालेंगे, तो जॉइंट पीडीएफ क्या होगा, देखिए एफ ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस हमारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस थीटा, थीटा टू द पावर एक्स वन अपॉन एक्स वन फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर माइनस थीटा, थीटा टू द पावर एक्स टू अपॉन एक्स टू फैक्टोरियल। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ई टू द पावर माइनस टू थीटा, थीटा टू द पावर एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई एक्स वन फैक्टोरियल इंटू एक्स टू फैक्टोरियल। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए टू द पावर माइनस टू थीटा, थीटा टू द पावर टी डिवाइडेड बाई एक्स वन फैक्टोरियल इंटू एक्स टू फैक्टोरियल। मैंने एक्स वन प्लस एक्स टू को यहाँ पे टी लिया हुआ है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये दोनों वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट करते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो देखिए अब जब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालेंगे तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू फॉर गिवन टी इक्वल टू टी। तो ये होगा जॉइंट पीडीएफ ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस। तो जॉइंट पीडीएफ हमने निकाला हुआ है ए टू द पावर माइनस टू थीटा, थीटा टू द पावर टी अपॉन एक्स वन फैक्टोरियल इंटू एक्स टू फैक्टोरियल। अब इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे देखिए किससे हमने डिवाइड करना है, मार्जिनल पीडीएफ से डिवाइड करना है। तो ये टी फैक्टोरियल हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में रहेगा ए टू द पावर माइनस टू थीटा, टू थीटा होल टू द पावर टी। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ से थीटा टू द पावर टी, थीटा टू द पावर टी ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये बचा टी फैक्टोरियल अपॉन एक्स वन फैक्टोरियल इंटू एक्स टू फैक्टोरियल इंटू वन अपॉन टू टू द पावर टी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला और इस कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं भी थीटा नहीं है, यानी थीटा की इन्फॉर्मेशन सारी कहाँ चली गई है, इस टी में चली गई है। ऑलरेडी हमें थीटा की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है विद द हेल्प ऑफ दिस एस्टिमेटर टी। तो कहने का मतलब है जो एस्टिमेटर है टी, ये एस्टिमेटर हमारा क्या था एक्चुअल में, एक्स वन प्लस एक्स टू था। तो ये एस्टिमेटर क्या करता है, थीटा की सारी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। तो एक्स वन प्लस एक्स टू क्या हो जाएगा, इस केस में एक सफिशियंट एस्टिमेटर होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने एस्टिमेटर्स की सफिशियंसी को चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा डेफिनेशन क्राइटेरिया। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस लेक्चर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट आपके पास है, तो वो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियोज़ में उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स या उन पे बेस्ड लेक्चर वीडियोज़ हम यहाँ पर अपलोड करें। तो देखिए सफिशियंट एस्टिमेटर्स के लिए नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन क्या होती है। तो हम कहेंगे भाई कोई भी एस्टिमेटर है सपोज टी, वो थीटा का एस्टिमेटर है, तो ये कब थीटा का सफिशियंट एस्टिमेटर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, जो सैंपल का जॉइंट डेंसिटी फंक्शन होगा, जिसे हम लाइक्लीहुड फंक्शन भी कहते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन को इस तरह से मैं लिख ले रहा हूँ, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में इसे मैंने एक्स वेक्टर ले लिया। तो इस जॉइंट पीडीएफ को अगर हम इस तरह से लिख लें भाई, एक फंक्शन हमारा क्या बन जाए, सपोज जी जो फंक्शन है वो एस्टिमेटर का फंक्शन हो और साथ में वो थीटा का फंक्शन भी हो, और इसी तरह से एक फंक्शन हमारा क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो जाए। तो हम कहेंगे भाई हमारा जो टी है ये थीटा का क्या है, सफिशियंट एस्टिमेटर है। यहाँ पे ये कंडीशन है, जो जी है, जो जी फंक्शन जी है, ये टी का फंक्शन होगा और थीटा का फंक्शन होगा, इसमें थीटा भी कंटेन होगा, और साथ में जो दूसरा फंक्शन है एच फंक्शन, ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। तो जब हमने देखे डेफिनेशन क्राइटेरिया की बात की थी, तो डेफिनेशन क्राइटेरिया में हमने यही कहा था
कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन फॉर गिवन टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, थीटा के इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और इसको जब हमने कैलकुलेट किया था तो ये इस तरह से कैलकुलेट होगा, जॉइंट पीडीएफ ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एस्टिमेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, ये जो पीडीएफ है ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, तो इसे मैंने क्या कह लिया, एच एक्स वैक्टर कह लिया। इसी तरह से ये जॉइंट पीडीएफ ऑफ सैंपल है, ये मेरा लाइकलीहुड फंक्शन होगा, और ये मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एस्टिमेटर है, और ये एस्टिमेटर ऐसा है कि ये एस्टिमेटर क्या होना चाहिए, थीटा के लिए सफिशियंट होना चाहिए। अब थीटा के लिए सफिशियंट कब होगा, जब ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। अब सपोज ये हो गया है, ये टी क्या है हमारा, थीटा का सफिशियंट एस्टिमेटर है, तो उस केस में ये कंडीशन हमारी होल्ड करेगी, तो हम कहेंगे भाई ये जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, तो इसे हमने एच एक्स वेक्टर कह लिया। जॉइंट पीडीएफ ऑफ सैंपल, इसे हमने लाइकलीहुड फंक्शन कह लिया, और मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एस्टिमेटर, ये हमारा क्या होगा, टी का एस्टिमेटर होगा, जो क्या करेगा, थीटा को कंटेन करेगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन को यहाँ पे डेवलप कर लिया। तो अब नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन कहती है भाई, किसी भी सैंपल ऑब्जर्व, किसी भी सैंपल, कोई भी रैंडम सैंपल हमारे पास है, उस रैंडम सैंपल के जॉइंट पीडीएफ को अगर हम इस तरह से दो फैक्टर्स में लिख सकते हैं, जहाँ पर एक फंक्शन हमारा क्या होगा, एस्टिमेटर टी का फंक्शन होगा जो थीटा को भी कंटेन करेगा, और साथ में जो दूसरा फंक्शन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा, तो उस केस में ये टी हमारा क्या होगा, थीटा का सफिशियंट एस्टिमेटर हो जाएगा। तो ये थ्योरम हमारी कहलाती है फैक्टराइजेशन थ्योरम ड्यू टू फिशर एंड नेमन। तो इस फैक्टराइजेशन थ्योरम का यूज़ हम करते हैं सफिशियंट एस्टिमेटर्स को फाइंड करने में और प्रूफ करने में कि एस्टिमेटर, कोई भी एस्टिमेटर, पैरामीटर का एस्टिमेटर हमें गिवन है तो वो एस्टिमेटर हमारा सफिशियंट एस्टिमेटर है या नहीं है। तो सीधा सीधा क्या करना है, अपने सैंपल आपको गिवन होगा, उस सैंपल का लाइकलीहुड फंक्शन आप डेवलप करोगे, फिर आप देखोगे क्या आप उस लाइकलीहुड फंक्शन को इस तरह से दो पार्ट्स में लिख पा रहे हैं। अगर इस तरह से आप लिख पा रहे हैं भाई, एक फंक्शन हमारा एस्टिमेटर का फंक्शन है और वो थीटा को कंटेन करता है, और साथ में दूसरा फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, तो हम कहेंगे भाई ये टी हमारा क्या होगा, थीटा का सफिशियंट एस्टिमेटर होगा। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। अब सपोज हमने क्या किया है, एक रैंडम सैंपल कंसिडर किया है जो नॉर्मल पॉपुलेशन से हमने लिया, एन यूनिट का एक रैंडम सैंपल हमने कंसिडर किया है नॉर्मल पॉपुलेशन से, जिसका मीन म्यू होगा, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ पे हमने देखना है भाई, जो एस्टिमेटर एक्स बार है ये म्यू को एस्टिमेट करता है, तो ये एक्स बार सफिशियंट एस्टिमेटर है या नहीं है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइकलीहुड फंक्शन डेवलप करेंगे। तो देखिए लाइकलीहुड फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर जो लाइकलीहुड फंक्शन बनेगा वो होगा 2 पाई सिग्मा स्क्वायर टू दी पावर एन बाई टू इंटू एक्सपोनेंशियल ई टू दी पावर माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर समेसन आई वन टू एन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर। तो ये लाइकलीहुड फंक्शन क्या होता है, कैसे हम इसे निकालते हैं, इसका लेक्चर वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख सकते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट को देखेंगे, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस फर्स्ट नाम से प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, तो उसमें अभी तक के सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, जिसमें मेथड ऑफ एस्टिमेशन हमने डिस्कस किए हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स को डिस्कस किया है। तो उसी सिक्वेंस में ये आज का लेक्चर वीडियो हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो देखिए इसमें लाइकलीहुड फंक्शन हमने इस तरह से अपना डेवलप कर लिया। अब हमने क्या करना है, लाइकलीहुड फंक्शन को दो फैक्टर्स में फैक्टराइज करना है। तो थोड़ा सा इसे और हम अपने अकॉर्डिंग इसे लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर टू दी पावर एन बाई टू इंटू ई टू दी पावर माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर। अब देखिए समेसन को मैं ओपन करूँगा, तो ये समेसन एक्स आई स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एन म्यू स्क्वायर माइनस टू म्यू
इंटू समेसन एक्स आई, ये क्वांटिटी हमें मिलेगी। मैंने क्या किया, इस होल स्क्वायर को ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस टू एक्स म्यू हमें मिला, तो फिर समेसन को अंदर ले गए तो समेसन एक्स स्क्वायर प्लस समेसन म्यू स्क्वायर, म्यू स्क्वायर समेसन से बाहर आएगा तो एन हो जाएगा यहाँ पे, एन इंटू म्यू स्क्वायर माइनस टू म्यू इंटू समेसन एक्स आई। फिर से देखिए इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू पाई सिग्मा स्क्वायर टू द पावर एन बाई टू ई टू द पावर माइनस वन बाई टू सिग्मा स्क्वायर इंटू समेसन एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू म्यू स्क्वायर माइनस टू एन म्यू एक्स बार। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, समेसन एक्स आई को मैंने एन इंटू एक्स बार लिख लिया। तो अब देखिए ये पूरा लाइकलीहुड फंक्शन है, इस लाइकलीहुड फंक्शन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। सिंपल ये है भाई, अगर मैं क्या करूँ लाइकलीहुड फंक्शन को इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ तो यहाँ पे टी मेरा क्या हो जाएगा, थीटा का सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। तो अब मुझे पता है भाई एक्स बार क्या है, म्यू का एस्टिमेटर है, तो मैं क्या करूँगा एक्स बार और म्यू वाली टर्म्स को एक साथ लिखूँगा और एक्स बार और म्यू से अलग जो टर्म्स हैं उन्हें एक फंक्शन में लेके जाऊँगा। तो देखिए कैसे मैं करता हूँ इसे, अब देखिए यहाँ पे समेसन एक्स स्क्वायर वन अपॉन सिग्मा स्क्वायर, तो इसे मैं अलग कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर माइनस समेसन एक्स स्क्वायर अपॉन टू सिग्मा स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन है ए टू द पावर माइनस वन अपॉन टू सिग्मा स्क्वायर इंटू एन म्यू स्क्वायर माइनस टू एन म्यू एक्स बार। इस तरह से मैंने इसे लिख लिया, तो देखिए यहाँ पे जब मैं इसको लिखूँगा तो ये मैं लिख सकता हूँ एच इंटू एक्स वेक्टर इंटू जी टी थीटा, जहाँ पे एच एक्स वेक्टर हमारा ये क्वांटिटी होगी, एच एक्स वेक्टर में इतनी इन्फॉर्मेशन होगी। अब इस ये इन्फॉर्मेशन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू है, इसमें कहीं भी म्यू वाली टर्म नहीं है, और जबकि जो दूसरा फंक्शन है जी थीटा टी यानी ये वाला फंक्शन, तो इसमें देखिए हमारे पास पैरामीटर भी है और साथ में एस्टिमेटर भी है, एस्टिमेटर मीन फंक्शन ऑफ सैम्पल ऑब्जर्वेशंस। तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ पे एक्स बार क्या है, म्यू का सफिशियंट एस्टिमेटर है, क्योंकि म्यू और एक्स बार यहाँ पे दोनों एक साथ हैं, यानी ये जी थीटा टी को कंस्टिट्यूट करते हैं, और इस तरह से कंस्टिट्यूट करते हैं कि इस फंक्शन में सिर्फ एस्टिमेटर है और पैरामीटर है, जबकि इस ये फंक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर है। तो हम कहेंगे यहाँ से एस्टिमेटर क्या होगा, इस पैरामीटर का सफिशिएंट एस्टिमेटर हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर का सफिशिएंट एस्टिमेटर हमें देखना है, तो सिग्मा स्क्वायर का सफिशिएंट एस्टिमेटर देखने के लिए देखिए इसी तरह की फॉर्म में होगा, जहाँ पे एच एक्स वेक्टर हमारा क्या होगा, एच एक्स वेक्टर ये क्वांटिटी होगी, एच एक्स वेक्टर इस तरह से हम ले सकते हैं, और ये क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, जी थीटा टी होगी। हालांकि यहाँ पे देखिए वन अपॉन टू सिग्मा स्क्वायर आ रहा है, तो इसे भी हम रीअरेंज कर सकते हैं। तो अब देखेंगे जब इस फंक्शन में हम देख रहे हैं तो सिग्मा स्क्वायर के लिए एस्टिमेटर क्या है, समेसन एक्स स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं भाई समेसन एक्स स्क्वायर क्या होगा इस केस में, सिग्मा स्क्वायर का सफिशियंट एस्टिमेटर होगा। तो इस तरह से हमने म्यू और सिग्मा स्क्वायर का सफिशियंट एस्टिमेटर यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो बहुत सिंपल सी कंडीशन है, हमने क्या करना है, लाइकलीहुड फंक्शन को दो फैक्टर्स में पार्टीशन करना है, एक फैक्टर जिसमें एस्टिमेटर और पैरामीटर होंगे, दूसरा फैक्टर जो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर होगा। अगर ऐसा कर लेते हैं तो वो एस्टिमेटर क्या हो जाएगा, उस पैरामीटर के लिए एक सफिशियंट एस्टिमेटर होगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नई लेक्चर वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।